Welcome to Dr. Kantapudra's Public Illness Series. Hello friends, lesson number 16, You and Me. अगर आपका बीपी अचानक ज़्यादा आ गया, ऐसे ही आप चेकअप कराने गए, तो आप क्या करोगे? वैसे तो वो अपनी श्रीमती जी के चेकअप के लिए आए थे और उन्होंने बोला ऐसे बीपी हेपेटिस यहाँ पे पड़ा था, बोला मैं मेरा चेकअप कर लूँ। मैं कि हाँ क्यों नहीं। उन्होंने दो तीन बार बीपी देखा, फिर कुछ बोले नहीं। उनका चेहरा देखकर मैंने बोला क्या बात है, कितना है बीपी? तो बोले 200 के आसपास आ रहा है। ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मैं कि एक मिनट आप यहाँ पे लेट जाओ, मैं आपका बीपी देखती हूँ। उनका बीपी देखा 200 130। मैं कि आपको पहले कभी बीपी था? बोला पहले मेरे को कोई बीमारी हुई थी, उस टाइम थोड़ा बीपी आया था, उस टाइम दवा भी दी थी। मैं कि बाद में? तो बोला बाद में तो ठीक है। मैं कि बाद में कभी अपने बीपी चेक कराया है? तो बोला जब भी मैं वजन उठाता हूँ, मेरा कपड़े का काम है, कभी कभी गट्ठे उठाने पड़ते हैं तब, और कभी कहीं पे जाता हूँ घबराहट होती तो बीपी बढ़ जाता। आपकी घबराहट का कारण क्या है? आपकी मिसेज की तबीयत तो ठीक है, फिट्स भी कंट्रोल में, फिर क्यों? मैं कि देखिए आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप मैं बोल नहीं रही मेरे से चेकअप कराओ या हमारे यहाँ पे कराओ, आप कल सुबह में कहीं पे ही आपके पसंद के डॉक्टर या कोई भी चैरिटेबल जगह पे जाके बीपी के लिए जो भी ज़रूरी है सब टेस्ट करा के दवा शुरू कर दीजिए। पर आज अभी आपको मैं दवाई लिख देती हूँ, आप ये दो गोलियाँ खा लीजिए, हो सके तो रात को वापस बीपी चेक कर लीजिए। रियल में मेरे को आपकी चिंता हो रही है। तो मैं क्या कह रही हूँ, अगर आप कहीं पे जाते हो और ऐसे ही आपने बीपी चेक करा लिया, अच्छी बात है, बीपी चेक कराना चाहिए, और बीपी ज़्यादा आया तो उस टाइम तो आप रिलैक्स हो, आपको मालूम नहीं आपका बीपी ज़्यादा आने वाला है, उस टाइम भी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपको ब्लड प्रेशर है, चाहिए तो वापस करा लीजिए। पर बहुत ज़्यादा होगा तो उसी वक्त दवाइयाँ चालू करने की तैयारी रखिए, उसके साथ लगे हुए सभी रिपोर्ट्स करा लीजिए। क्यों बोल रही हूँ, दुनिया में 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और उसमें से 1 से 23 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर है, और अपने भारत में उसमें से 24% लोग बीपी वाले हैं, और आपको पता है 20 से 40 की उम्र में 7.5% लोगों को ब्लड प्रेशर उसमें से आने, उस 24% में से 7.5% यंग जनरेशन है। कभी कोई 40 साल का आदमी लकवा के साथ आता है और वो भी उसको ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है, तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि इतने सालों में ही हम लोग जन जागृति कुछ कर नहीं पाए और लोगों को ये सब बीमारियाँ जिसकी ट्रीटमेंट पूरी अच्छे से होती है उसके कारण हो रही है। सो मुझे ये लगता है आप जागो, आज के आज अभी के अभी बीपी चेक करा, आपको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है, फर्स्ट थिंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करा दो और रेगुलर या पीरियोडिक चेकअप करते रहो। आपके घर पे ये मशीन से भी आप बीच में चेक करते रहोगे और ज़्यादा ब्लड प्रेशर लगेगा डॉक्टर को जाके बताइए, और ज़रूरी पड़े तो दवाइयाँ कम ज़्यादा करवा लीजिए। उसकी दवाई के सिवा दवा, खान पान, कसरत, रिलैक्सेशन, फ्रेंड्स, अच्छी नींद, इतनी चीज़ें करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतनी सी बात। थैंक यू।